रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। महाराष्ट्र में गठबंधन की अटकलों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, बोले 25 साल तक शिवसेना का हो सीएम। सावरकर के भारत रत्न के सवाल पर संजय राउत का गोलमोल जवाब, बोले बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न। हिंदुत्व की विचारधारा के सवाल पर बोले राउत, विचारधारा को लेकर निकाला जाएगा बीच का रास्ता, मुस्लिम आरक्षण की बात टाल गए राउत। 5 साल के सीएम पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक, शिवसेना का रखेंगे सम्मान, बीजेपी ने बहुत किया अपमान। बीजेपी के शिवसेना पर पलटवार, जीवीएल नरसिम्हा बोले महाराष्ट्र नहीं बल्कि अपने फायदों को लिया आ रहे हिस्सा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर सस्पेंस खत्म होने की कगार पर एनसीपी और कांग्रेस ने तैयार कर लिया है फॉर्मूला, सूत्रों के हवाले से खबर। 5 साल के लिए शिवसेना के मुख्यमंत्री होने पर बन सकती है बात, कांग्रेस और एनसीपी से होंगे 2 डिप्टी सीएम। मंत्रिमंडल के बंटवारे पर भी डील पक्की, शिवसेना और एनसीपी के हो सकते हैं 14-14 मंत्री, कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे शामिल। डील में विवादित मुद्दों से दूर रहने की कोशिश, मुस्लिम आरक्षण और सावरकर को भारत रत्न देने जैसे मुद्दों पर नहीं बनी बात। पवार और सोनिया गांधी अगले 2 दिनों में कर सकते हैं बैठक, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर जोर, हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई बात नहीं। आज भी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, मंदिर मार्ग इलाके में 700 के पास दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन का आज आखिरी दिन, स्कीम को आगे बढ़ाए जाने के आसार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए संकेत का, जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है फॉर्मूला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल को आड़े हाथों लिया, अपनी असफलता भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ऑड इवन को बढ़ाने का ड्रामा कर रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर एक बार फिर सड़क पर उतरे बीजेपी नेता, विजय गोयल ने आईटीओ पर हाथ में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने फिर खड़े किए राहुल के अध्यक्ष बनने पर सवाल, वीरप्पा मोइली बोले सोनिया गांधी होनी चाहिए फुल टाइम पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष। वीरप्पा ने अपनी राय को बताया पार्टी नेताओं की राय, कहा कोई और अध्यक्ष पद की रेस में नहीं। नेहरू मेमोरियल लेक्चर में सोनिया का मोदी सरकार पर तीखा वार, कहा हमारी सोच पर राज करना चाहती है सरकार। 18 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, लोकसभा स्पीकर ने 16 नवंबर को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। रफेल को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट ने रफेल सौदे की पुनर्विचार याचिका की थी खारिज। यूनेस्को में राइट टू रिप्लाई के दौरान भारत ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़, जम्मू कश्मीर पर पाक का प्रोपेगेंडा किया बेनकाब। आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय अधिकारी अनन्या अग्रवाल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा आतंकियों को हीरो बताता है पाकिस्तान। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में अमित शाह की समीक्षा बैठक, नक्सल और कश्मीर को लेकर आला अधिकारियों से की बात। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने दी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश में 3 सीमा का जायजा लेने पहुंचे राजनाथ, बोले दोनों देश समझदारी से ले रहे हैं काम। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल का आज आखिरी दिन, राजघाट में महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी, दीवारों और नोटिस बोर्ड पर लगे विरोध के पोस्टर। सबरीमाला केस में जस्टिस नरिमन की सरकार को चेतावनी, हम हाल में हमारे आदेश का हो पालन, कानून का उल्लंघन करने की किसी को इजाजत नहीं। आईआईटी मद्रास की छात्रा फातिमा लतीफ की आत्महत्या को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, पिता ने प्रोफेसर पर लगाया परेशान करने का आरोप। दिल्ली में पुलिस वकील विवाद में पुलिस की अर्जी पर सुनवाई, दिल्ली पुलिस ने मामले में किसी भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी न करने की लगाई गुहार। गुरुवार को पीएम ने ब्रिक्स सम्मेलन को किया संबोधित, आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों के सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। और सुख शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। आतंकवाद और दूसरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ ब्रिक्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाएंगी।
ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम ने विश्व व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर, 500 अरब डॉलर तक ले जाने की अपील। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई पर हुई बात, रूसी राष्ट्रपति ने साझा की जानकारी। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेकर स्वदेश लौट रहे हैं पीएम, देर रात विमान में हुए सवार। बिहार के बक्सर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिखाई गांधीगिरी, गांधी संकल्प यात्रा के तहत नालियों की सफाई की। मध्य प्रदेश के मुरैना में सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा का विवादित बयान, का पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप का विनाश शराब की वजह से हुआ। जय श्रीराम को लेकर एक और टीएमसी नेता के बिगड़े बोल, वर्धमान में देवू टूडू का बयान, जय श्रीराम कहने वाले का गला पकड़कर करेंगे बाहर। अमृतसर से कुआलालंपुर जा रही एयर एशिया की फ्लाइट ने अमृतसर में की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग, दो लोगों की फ्लाइट में बिगड़ी तबीयत। जोधपुर एक्सप्रेस में हरियाणा पुलिस ने जवानों की गुंडागर्दी, यात्रियों के साथ की मारपीट, हंगामे में 2 महीने की बच्ची की मौत, रेल मंत्री से ट्वीट कर मांगी मदद। राजस्थान के बाड़मेर में बेमौसम बारिश के दस्तक, इलाके में बाढ़ जैसे हालात, मूसलाधार बारिश के साथ ओलों की मार, नवंबर के महीने में पानी पानी हुआ इलाका। जैसलमेर पर भी टूटा बेमौसम बारिश का कहर, भारी बारिश के साथ ओलों की मार, लाखों की फसल बर्बाद। पाली में भी जमकर गिरे ओले, किसानों की लाखों की फसल बर्बाद। हिमाचल में बर्फ से पूरी तरह ढका रोहतांग दर्रा, हाईवे पर बर्फ की चादर से फंसे वाहन। महोबा में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान पंडाल की पार्किंग में लगी आग, होंडा कार समेत 2 बाइक जलकर खाक। यूपी के आजमगढ़ में मेले के दौरान हाथी ने मचाया तांडव, लोगों में मची भगदड़। नासिक में खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। करगिल में हार्डवेयर की दुकान में भड़के आग के शोले, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पैराग्लाइडिंग का एक और वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल, हिमाचल में पवन नाम के शख्स को हवा में लगने लगा डर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।